झलक उस वक्त के बाद, मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है, तो शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था। बिग बॉस का भी वही था, जब बिग बॉस कभी पसंद नहीं था शो, लेकिन जब हाँ बोला कर लिया तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने, और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। और आज भी मैं सारे दर्शकों की, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ में जीती हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता। तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें। और झलक उस वक्त के बाद, मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है, साल तो शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था। आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ, जो मेरा हमेशा फंडा रहा है। काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कि इतने टाइम के बाद क्यों पूछोगे, आप खुद ही बता दीजिए हमारे पूछने हाँ, से पहले। एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली काम की ऑफर आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद भी आना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ, और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं। तो मेरा शिल्पा जी, ये वुमेन्स इक्वालिटी डे है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है क्या? तो बस यही कहना चाहूँगी, अभी तो राज तो औरतों का ही चल रहा है, तो क्या कहना, वो चलता रहेगा। एंड जजेस होंगे करण और माधुरी जी, उनके सामने जब परफॉर्म करना, कितना आप मानते हैं कितना इजी हो जाता है या कितना टफ हो जाता है, नर्वसनेस आती है? हाँ, बिकॉज करण सर तो बहुत चिल पिल लगते हैं मुझे, बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे। वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे ऐसा लगता है। माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी, मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि माय गॉड, मेरे ऐसे है उनके लिए। नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है, हम सब ने देखा है, तो पता नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में ही पे ही है, घाघरा घाघरा मेरा घाघरा, तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है, तो उस उनके डांस पर डांस करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है मेरे लिए। कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कैसा, कौन सा टफ कंटेस्टेंट आपको लग रहा है? बहुत टफ है, बहुत टफ इन द सेंस, अच्छी बात है कि सब अपने अपने जगह पे मुझे बहुत ही पॉपुलर और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, तो उस हिसाब से जैसे उनके फैंस हैं वो भी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अच्छी कंपटीशन है, अच्छा लग रहा है, पूरा ओवरऑल अच्छा सेटअप लग रहा है, क्योंकि मैं हूँ। ग्रेट, क्योंकि आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये पीछे लो, उधर तुम लोग का बड़ा ना कट करते हो, फिर भूल जाते हो।